अमनिकुम जी, आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये विंडोज में एक्शन पैनल है। और इस एक्शन पैनल के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो एक छोटी सी असाइनमेंट से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब अपनी ही सर पोर्ट्रेट स्क्रीन नहीं फोटो है आपकी नजर आ रही। स्क्रीन आ रही है, सबको आ रही है, क्यों नहीं आ रही? जी फोटोशॉप की सर आ रही स्क्रीन है नहीं आ रही? आवाज। आ रही है जी, सबको जा रही है। आप उसको रीलॉग इन करें, क्या भाई इशू आ रहा है? सर अभी जी आइए। चलो ठीक है जी। ओके जी, तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप अपनी फोटोग्राफ जैसे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाते हैं, तो वो आसानी से आप कैसे बना सकते हैं खुद से? अब उसको पहले मैं आपको करवाने लगा हूँ, फिर एक्शन पैनल से मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे मैं फोटो पे आ गया हूँ और मैंने 4x6 का ले लिया है। आपको पता है ये एक्सक्यूज मी फोर सर, बाई इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेना लेक्चर की। जी हो रही है जी, रिकॉर्डिंग अगर आपको नजर भी आ रही होगी जी। जी ओके सर। ओके जी, तो ये 4x6 का मैंने लिया है पेज। ये आपको पता है मार्केट से आपको 10 रुपए का प्रिंट मिल जाता है। कितने का मिल जाता है जी? 10 रुपए का। आपको किसी भी डिजिटल फोटो प्रिंट वाले पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चाहे आप 4x6 कर लें, चाहे आप इसको 6x4 या 6x4 कह लें, तो ये एक ही चीज होती है। ये हमारा कॉमन प्रिंट जो होता है, जो हम आम नॉर्मल साइज पे प्रिंटिंग करवाते हैं छोटे फोटोज की, वो है। इसके अलावा इसका साइज बढ़ाएंगे तो फिर रेट हमारा बढ़ जाता है। तो ये 6x4 का मेरे पास एक है, अवेलेबल है। इस पे हम कैसे काम करेंगे उसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी एक फोटो ओपन कर लेता हूँ, उसको हम फिनिशिंग करते हैं और इस पे लेके आते हैं। ये मैं फोटोस ओपन कर ली है। अभी ये फोटो मेरे पास रॉ फॉर्मेट में है, जैसे ही कैमरे से डाउनलोड की यहाँ मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले मैं इसकी क्विक सिलेक्शन कर लेता हूँ, और क्विक सिलेक्शन करने के बाद ये मैंने चेहरा सिलेक्ट किया है जी। ये कान सिलेक्ट नहीं हुआ, शिफ्ट प्रेस करके उसको भी कर लिया। अब मैं इस एरिया को कर लिया है, फिर मैंने इस एरिया को, टाई मेरी पूरी सिलेक्ट नहीं हुई, मैं शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये हमारी फोटो सर मैं थोड़ा सिलेक्टेड हो गई क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए। ओके जी, क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए ये सिलेक्शन हो गई है कंप्लीट। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी मैंने कर लिया। यहाँ से मैंने न्यू फाइल ली और यहाँ से मैंने फोटो प्रिंट 4x6 या 6x4 और बैकग्राउंड, बल्कि फिलहाल मैं अभी सिर्फ फाइल न्यू लेता हूँ क्योंकि मुझे उसका बैकग्राउंड ब्लू लगाना है और इसकी फिनिशिंग करनी है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ब्लू ले लेता हूँ और एक न्यू फाइल ले लेते हैं। हल्का सा मैंने ब्लू बैकग्राउंड लिया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी आप देख लें कि ये इसमें हमारी फोटोज बिल्कुल ओके आई है। अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जो मुझे नजर आ रही है, देखें ये कान यहाँ से सही कटिंग नहीं हुई, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इस पे आता हूँ। अभी ये सिलेक्शन हमारे पास ही है, हम कान वाले एरिया पे चले जाते हैं और इसको मैं मजीद जो है वो जो एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ शिफ्ट प्रेस करने के बाद सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और अगर ये सही ना लगे कि सही सिलेक्शन नहीं हो रही, आप दूसरा टूल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी और टूल यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन के हवाले से काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और वो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ से ये टूल ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। ओके जी, अभी मैं दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हमारे पास है पिक्चर, पिक्चर में थोड़ी सी कटिंग ऑप्शन आ रही है, मैं थोड़ा सा तेजी से काम कर रहा हूँ। मैं ये करता हूँ, लेयर पैनल पे चलते हैं।
कंट्रोल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक या दो पिक्सल का आप ये कर लें, ये इसके अंदर से सिलेक्शन हो जाएगी। और मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी ऑन कर दूं जो आपके बटन्स को भी रिकॉर्ड कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट आई आपको पता है किसके लिए होता है, सिलेक्ट इनवर्स के लिए। मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये जो इसकी इर्द गिर्द की सिलेक्शन थी वो खत्म हो गई। मैंने दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया है इसको सिलेक्ट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं ये कान के साथ की बिल्कुल कटिंग बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा जो आ रहा है आपको इशू यहाँ पे, आप इसको ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। और इसके और भी हमारे पास हल हैं, वो मैटिंग वगैरह आप कर लेते हैं। मैं यहाँ से इरेजर टूल ले लेता हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा इन एरियाज को कर लेता हूँ। इस तरह से आपने भी इसको कर लेना है कि आपकी फोटो में पिक्चर में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको मैट कर रहा हूँ मैं, मैटिंग से ये होगा कि इसकी जो कलरिंग है वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगी। लेयर पे जाएं, यहाँ से मैटिंग पे आना है। मैं डीसेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, क्लिक किया लेयर मैटिंग और डिफरेंज पे क्लिक कर दिया। मैं तकरीबन 3 पिक्सल या 4 पिक्सल मैं डिफरेंज कर देता हूँ तो ये बिल्कुल अब हमारी जो पिक्चर है ये आपको ऑलमोस्ट उस ब्लू कलर के साथ मिक्स हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अब मुझे थोड़ा सा फोटो पे काम करना है तो फोटो वाले लेयर पे जाके मैं इसका कर्व्स बढ़ा लेता हूँ थोड़े से, थोड़ी सी लाइट आ गई। उसके बाद आप मैनुअली भी काम कर सकते हैं इसके कलर्स वगैरह की करेक्शंस के ऊपर, ब्राइटनेस कंट्रास्ट के ऊपर। ये ब्राइटनेस बढ़ा दी, ये कंट्रास्ट बढ़ा दिए। और मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे फोटो टूल्स में, स्किन फाइनर का। ये स्किन फाइनर ऑटोमेटिकली इसकी स्किन को रिफाइन कर देगा। देखें इसके साथ आपकी जो पिक्चर की स्किन है वो इस तरह से आ जाएगी। और इसमें हमारे पास बहुत सारे स्मूथिंग, ये हाई कर लें या आप मीडियम कर लें, ये हमारे पास इसके डिफॉल्ट प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं। मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने दोबारा से स्किन फाइनर लिया और मैं बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट इसके ऊपर लगाना चाहूँगा, बस यही ये कलर इसके साथ मैचिंग है। मैं थोड़ा सा इसको बाय डिफॉल्ट ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा हो रहा है। ओके जी, तो पिक्चर अब मेरी कुछ आपके सामने, ये चेहरे के ऊपर झुर्रियां और बाकी दाग से आ गए वो साफ हो जाएंगे, ठीक है। उस पिक्चर कुछ ज्यादा क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है कि ये कुछ हीलिंग सपोर्ट लेके, स्पॉट हीलिंग ब्रश से ये जो आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं इनको क्लियर कर लें। पिक्चर में इतने ज्यादा नहीं है, बाद पिक्चरों पे ज्यादा भी होते हैं, तो ये मैंने उसको क्लियर कर लिया जी। और के बाद मैं थोड़ा सा इसके रा फिल्टर लेके इसमें येलो बढ़ाना चाह रहा हूँ, कैमरा रा फिल्टर। और यहाँ पे आके मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा मामूली सा हाई कर दिया है। इधर से एक्सपोजर आप ऑटो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया और कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। हाईलाइट से मैं बजाय बढ़ाने के मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, शेडोज थोड़ी सी बढ़ा दी है। और ओके जी, पिक्चर में एक चीज आ रही थी कि ये हिस्सा डार्क आ रहा था, ये हिस्सा लाइट आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे टूल है बारन टूल एंड सॉरी यहाँ पे आ गया डच टूल एंड बारन टूल। बारन टूल क्या करता है, उसको डार्क करता है, डच टूल उसको लाइट करता है। मैं इस एरिया पे हल्का हल्का सा इसको लाइट कर लेता हूँ,
और इस हिस्से पे एक दफा बारन टूल क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये जरा ज्यादा लाइट में आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी दोनों साइडें जो हैं वो तकरीबन तकरीबन इक्वल हो गई। और मैंने ये क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में काम किया है, आप इसके ऊपर अगर खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा मैनुअली काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पिक्चर को डाउन कर लेता हूँ। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरी पासपोर्ट साइज पिक्चर ओके हो गई है। अब मैं इसको फ्लैटरन इमेज बना लेता हूँ या फिर क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड के साथ। नॉर्मल ये होता है कि हम इसकी PSD अलग से सेव कर लेते होते हैं ताकि बाद में भी चेंजिंग की जा सके। मैं इसकी PSD एक सेव कर लेता हूँ, उसके बाद एक फ्लैटरन इन दोनों को मैं फ्लैटरन इमेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करें और मर्ज लेयर भी कर सकते हैं, मैं फ्लैटरन इमेज कर देता हूँ कि ये अब बैकग्राउंड फाइनल पिक्चर बन गई है किस्म की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से न्यू लेता हूँ जी अपना साइज, और न्यू साइज लेने के बाद 4x6 मैंने लिया और साइज मेरे पास आ गया है। मैंने क्या किया, इस पिक्चर को यहाँ से उठा के इस पे ले आते हैं, पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है उसको संभाल कर लें, और इस पिक्चर का साइज इतना एक करना है कि आपके इस बैकग्राउंड पे 6 से 7 या 8 9 आनी चाहिए। मैं यहाँ पे इतनी रख लेता हूँ, ओके जी। और अब मुझे 10 रुपए की 6 या 9 पिक्चर्स अगर निकालनी है तो ये साइज मेरे पास ओके है। इसको मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपीज बना लूंगा, या आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल आल्ट प्रेस करके ये 6 पिक्चर्स मेरे पास आ, अगर मैंने 9 करनी होती तो पिक्चर का साइज थोड़ा सा और कम भी कर सकते थे। मसलन मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं जी, ठीक है, ताकि हमारी ये ज्यादा पिक्चर आ जाएं। ये डिपेंड करता है आपके अपने काम के ऊपर, ओके जी। आप देखिए जी, अब इससे भी थोड़ी सी आप, मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ, चारों लेयर्स को यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है, इन 2 3 4 ये 5 वाली डबल हुई पड़ी है हमारे पास, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, बिल्कुल ओके साइज है। अब इसको आल्ट प्रेस करके ले आए, अब ये आपकी ऑलमोस्ट ओके है। मतलब आपकी 10 रुपए में 8 पिक्चर्स आप मार्केट से प्रिंट करवा सकते हैं। आपने बस इसकी JPG फाइल सेव करनी है यहाँ से, और सेव एज JPEG करके आपने किसी भी जगह पे इसको रख लें, डेस्कटॉप पे रख लें, USB पे मोबाइल पे कॉपी करें। ये JPG 2000 है, मैं ऊपर वाली लेता हूँ और उसको सेव करवा दें, ओके जी। तो ये अब क्या है कि ये जो पिक्चर है इमरान के नाम से यहाँ पे आ गई होगी ये। आप इसको USB पे किसी भी जगह पे किसी भी डिवाइस में या ईमेल भेज देंगे तो वो इसका प्रिंट निकाल देंगे। तो ये आपका इस तरह से 10 रुपए में आप अपनी 8 पिक्चर्स जो हैं आराम सुकून से प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको जो पैनल करवाने जा रहा हूँ ये एक्शन पैनल है, और ये बड़ा काम आता है, मुझे इसको समझने में बड़ा अरसा लगा। अच्छा, मैं जब गया तो उस वो बंदा मार्केट में काम कर रहा था, उसने एक बटन प्रेस किया और ये 8 की 8 यूं ही लग गई। मुझे मेरी समझ में वो बात नहीं आई भी ये इसने कैसे कर लिया, कौन सा बटन इसने आकर दबाया, तो ये हो गया। वही मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। आप एक्शन का पैनल कैसे काम करता है, आप उसके ऊपर कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद आप जब उसको प्ले करते हैं तो वो फिर उसी तरह से बिहेव करता है। लाइक ये हमारे लेयर का एक साइज बन गया था, ये लेयर हमारे पास अवेलेबल है। मैं एक्शन पैनल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये न्यू पे
क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, नजर आ रहा होगा आपको मेरा माउस किस जगह पे, न्यू पे क्लिक किया और मैंने अपना एक्शन एक अपने नाम से सेव करवा लिया। लाइक मैं इसका नाम कोई भी रख देता हूँ, मैं इमरान वन कर देता हूँ। आप कोई सा भी पोर्ट्रेट या सिक्स बाय, बल्कि मैं 6x4 के नाम से इसको सेव करवा देता हूँ रिकॉर्ड। ओके जी, अभी पहला काम मैं क्या किया, इसकी कॉपी बनाई, फिर कॉपी बनाई, फिर कॉपी बना ली। ठीक है, अगला काम मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये चारों सिलेक्ट हो जाए और इन चारों की कॉपी बन के नीचे आ जाए। ठीक है, फिर मैं ये सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। मैं मसलन आप इसको डी सिलेक्ट किया एक दफा, देखिए इस तमाम लेयर्स को मैंने सिलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरा फेरी होगी, हम बाहर से इस तरह करके सिलेक्ट कर लेते हैं। चारों सारी सिलेक्ट हो गई, हमने इसको थोड़ा सा मैंने सेंटर में कर दिया कि पेज के सेंटर में आ जाए। अब ये मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ, ये स्टॉप कर दिया। ओके जी, स्टॉप हो गया, अब ये मेरा एक्शन रिकॉर्ड हो गया कंप्यूटर के अंदर, ये वाला एक्शन सेव हो चुका है। और यहाँ है 6x4, वो क्या क्या कर रहा है, पहले कॉपी करता है एक लेयर के, फिर दूसरे की, फिर लेयर को सिलेक्ट करता है, फिर उसकी कॉपी करता है तमाम, फिर उनको एंड पे क्या करता है सिलेक्ट करने के, ये फाइल हमारी को छोड़ दे यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल बन गई, मैंने सेव भी नहीं की, इसको भी सेव नहीं किया मैंने यहाँ पे। ओके, क्लोज हो गया हमारा। अभी यही एक्शन मैंने रिपीट करना है किसी और जगह पे, किसी और इमेज के साथ। मैं फोटो पे जाता हूँ, 6x4 लेता हूँ। अच्छा जी, मैं क्या करूंगा, उसी साइज की ऑलमोस्ट एक लेयर ले लूंगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इस पिक्चर को उठा लेता हूँ और मैं इसी को समझता हूँ कि ये मेरी फाइनल लेयर है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और एक साइज के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब फिर मैंने क्या करना है, अभी मैं सिर्फ उस एक्शन पे जाऊंगा, 6x4 वाले एक्शन पे, उसको सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको प्ले कर दूंगा। यहाँ से प्ले के बटन पे क्लिक करूंगा, देख आपका क्या से काम हुआ है। ठीक है, कि वो उसने क्या किया है, वो जो काम मैंने रिकॉर्ड करवा दिया था वो उसने फौरन ही प्ले करके वो 6 की 6 इमेजेस को उसी तरह से उसी लोकेशन में उसी जगह पे वो सारे काम को फिट कर। अंडरस्टैंड, समझ आई इस काम की कि नहीं आई? ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम होता है। एक्शन में हम अपने मैनुअल एक्शन बना के रख लेते हैं, जो काम हम बार बार करते हैं उन कामों को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब हमें वो किसी भी फाइल पे किसी भी जगह पे जरूरत पड़ती है, लाइक ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, किसी और पिक्चर पे मुझे उसकी जरूरत पड़ जाती है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसी को उठाता हूँ, जस्ट प्ले करता हूँ और वो फौरन जो है वो हमारा काम हो जाता है। तो ये एक जबरदस्त टूल है। ये एक्शन समझाने, ये मैंने तो एक एक्शन बनाया था कि वो 8 पिक्चरें क्रिएट कर दी, लेकिन आप इसके अलावा भी कोई एक्शन अगर बनाएंगे ना तो वो सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से आप 4 पिक्चर्स का करें, कोई भी एक्शन आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक्शन के पैनल के ऊपर आपने खुद काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ काम करके देखें। मैं चले आप एक और काम रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक और प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है एलन स्काई का, और इसको मैंने रजिस्टर भी करवाया हुआ। तो अभी देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट आपका कोई भी है, मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम। ओके जी, और इस वेलकम को के ऊपर मैंने एक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी कि क्या करें जी, कि मैं एक न्यू एक्शन लेता हूँ यहाँ पे, न्यू एक्शन, एक्शन 2। ओके, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, मैंने इस पे फिल्टर लगाया एलन कैंडी का, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने एक ये वाला फिल्टर या कोई सा भी फिल्टर आप
चूज कर सकते हैं। ये एलन कांडी आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा स्पेशली, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कोई सी फिल्टर के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा फिर मैं कहता हूँ ये डाउन आ जाए, यहाँ पे आ जाए, वो रिकॉर्ड करता जा रहा है, मैं जितने जितने एक्शन कर रहा हूँ ना वो रिकॉर्ड होते जा रहा है। अच्छा फिर मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा मूव हो जाए, ठीक है, फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा अब ये मैं इस एक्शन को यहाँ पे स्टॉप कर, ठीक है जी, स्टॉप कर दिया, एक्शन स्टॉप हो चुका है और एक्शन रिकॉर्ड भी हो चुका है। अब मैं फाइल सेव भी नहीं करता, एक्शन क्योंकि हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो चुका है और मैं किसी भी बैकग्राउंड पे जाने के बाहर यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेते हैं और मैं कोई सा भी वर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो वाला एक्शन जो है ना इस वर्ड पे इस्तेमाल हो। मैं प्ले का बटन एक्शन को सिलेक्ट करूंगा और सॉरी ये क्लिक किया मैंने, एक्शन को सिलेक्ट किया और ओके जी, और मैंने प्ले का बटन प्रेस किया, उसने देखें वो उसको मूव कर दिया और लेकिन क्योंकि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था इस वजह से उसने एलन कैंडी वाला वो इफेक्ट नहीं लगाया, वो लगा नहीं पाया, ठीक है, बट उसने उसको मूव जरूर किया है और उसको डाउन जरूर किया है। इस तरह के डिफरेंट एक्शंस पे आप ट्राई करें, काम करें बैठ के, और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है, जैसे एक पोर्ट्रेट आपकी मोबाइल की खींची हुई पिक्चर को आपने उसकी 8 पिक्चर्स बनाई और वो इस तरह जो आप 10-4 पिक्चर्स मार्केट से बनवाते हैं तो आपको 80-90 रुपए पे करने पड़ते हैं या 100 पीस पे करना पड़ता है, आपकी 10 रुपए में 8 प्रिंट्स निकल आएंगे। तो उस पे काम करें और उसी तरह से जो है आप उसको बनाएं, और ये ख़ास तौर पे स्पेशली ये जो एक्शन पैनल है इसको मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं ऑनलाइन हूँ, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आप कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। हम दूसरा लेक्चर जो है अडोब इलस्ट्रेटर का वो थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे।